हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे इलस्ट्रेटर के टूल पैनल के बारे में। जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे है, यह है हम लोगों का इलस्ट्रेटर का टूल पैनल। जब हम लोग इस टूल पैनल को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये टूल पैनल जो है 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इन 7 पार्ट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं और इसमें क्या क्या टूल्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। इसमें सबसे पहले हम लोगों का सेट आता है सिलेक्शन टूल्स का। सिलेक्शन टूल्स में हम लोगों को 4 तरह के टूल्स दिए गए हैं। एक है हम लोगों का सिंपल सिलेक्शन टूल, और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और एक है मैजिक वैन टूल, और एक है हम लोगों का लेसो टूल। ये सभी टूल्स हम लोगों के सिलेक्शन के काम के यूज़ में आएंगे। एंड नेक्स्ट आता है हम लोगों का ड्राइंग टूल्स, जो कि ये दूसरा पार्ट है टूल पैनल का। ड्राइंग टूल्स में हम लोगों को ये टूल्स मिले हैं जिनकी हेल्प से हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ इलस्ट्रेटर में जो है क्रिएट कर सकते हैं। ड्राइंग टूल्स में हम लोगों के टूल्स हैं पेन टूल, टेक्स्ट टूल और टाइप टूल। आप लोग इसको कुछ भी कह सकते हैं, टेक्स्ट टूल या टाइप टूल, एंड लाइन टूल, और एक है हम लोगों का शेप टूल, एंड पेंट ब्रश टूल, पेंसिल टूल, ब्लॉब ब्रश टूल और इरेजर टूल। अब जो नेक्स्ट ग्रुप आता है हम लोगों का, वो है हम लोगों का ट्रांसफॉर्मिंग टूल, और जिसको हम लोग कह सकते हैं रीशेपिंग टूल, जो कि हम लोगों को एडिट, किसी भी शेप को एडिट करने के यूज़ में आते हैं। इसमें हम लोगों को 6 तरह के टूल्स दिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हम लोगों का रोटेट टूल, सेकेंड है स्केल टूल, फिर है हमारा विड्थ टूल एंड फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और शेप बिल्डर एंड प्रस्पेक्टिव ग्रिड टूल। फिर इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है हम लोगों का कलरिंग टूल्स का, जिसमें हम लोगों को मिला है मैश टूल, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मैश को फिल कर सकते हैं, एंड ग्रेडियंट टूल एंड आई ड्रॉपर टूल, जिससे हम लोग कलर पिक कर सकते हैं, एंड ब्लेंड टूल। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का सिंबल और ग्राफ टूल, जिसमें हम लोगों को 2 टूल दिए गए हैं, जिनमें से एक है हम लोगों का सिंबल स्प्रेयर और एक है हम लोगों का कॉलम ग्राफ टूल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के आर्ट बोर्ड को कंट्रोल करने के टूल, जिनको हम लोग आर्ट बोर्ड कंट्रोलिंग टूल्स, जिसमें कि फर्स्ट है हम लोगों का आर्ट बोर्ड टूल, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने आर्ट बोर्ड को जो है एडजस्ट कर सकते हैं कैसे भी, एंड फिर है हम लोगों का स्लाइस टूल, एंड फिर है हम लोगों का हैंड टूल और जूम टूल। एंड देन इसके बाद आता है हम लोगों का लास्ट पार्ट, जो कि जब तक हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे तब तक एक्टिव नहीं होता है। तो हमने इस टाइम डॉक्यूमेंट ले रखा है तो ये इस टाइम एक्टिव है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है स्वैप बिटवीन फिल एंड स्ट्रोक, एंड देन आता है उसके बाद हम लोगों का फिल, जहाँ पे हम लोगों का जो भी डिफ़ॉल्ट फिल में ऑन होगा, या चाहे वो सॉलिड कलर हो या ग्रेडियंट कलर हो, वो हमें यहाँ शो होगा। एंड देन उसके बाद ये आता है हम लोगों का स्ट्रोक का, इसमें हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रोक के अंदर एक्टिव होगा वो चीज़ दिखाई देगी, चाहे वो ग्रेडियंट हो या सॉलिड कलर हो। एंड यहाँ है हम लोगों का डिफ़ॉल्ट फिल और स्ट्रोक। एंड देन इसके बाद ये आता है हम लोगों का कलर रीसेट, एंड उसके बाद है हम लोगों का ग्रेडियंट रीसेट, एंड देन उसके बाद है हम लोगों का नन, जो कि हम लोगों के करंट फिल और स्ट्रोक को जो है नन पे रीसेट कर देगा। एंड देन आते हैं हम लोगों के ड्राइंग मोड्स, जिसमें कि हम लोगों को नॉर्मल ड्रॉ का ऑप्शन और एक ड्रॉ बिहाइंड और एक ड्रॉ इनसाइड का ऑप्शन मिलता है। एंड देन इसके बाद लास्ट है हम लोगों का इसमें स्क्रीन मोड, जिसमें हम लोगों को फुल टाइप स्क्रीन मोड और ऐसे ही अलग अलग टाइप के स्क्रीन मोड्स मिलेंगे। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।